हे फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? ये हमारा LIC AAO का प्रीलिम्स का फुल टेस्ट 2 है। इंग्लिश मैंने छोड़ दिया था, अटेम्प्ट नहीं करा, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स ठीक आ जाते हैं। सिर्फ 10 मार्क्स की सेक्शन कट ऑफ की तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से टाइम नहीं था उस टाइम पे, कुछ थोड़ा अर्जेंट था, कुछ बाहर जाना पड़ गया था, तो मैंने लगा क्यों बाहर क्लियर ना सबमिट कर देते हैं। तो ये कल दिया था मैंने, शायद कल परसों में। रीजनिंग में मेरे 33 आए हैं, 35 मैंने अटेम्प्ट किए थे। काफी टीचर्स बोल रहे थे कि आपको मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर तुक्के नहीं मारने चाहिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह का सीन रहता है। तो मैंने ठीक है, तुक्के नहीं मारते हैं, पर मेरे हिसाब से तो अगर आपके अटेम्प्ट कम है, जैसे 25-26 हैं, तो मार दीजिए। क्योंकि 6 में अगर आपके 10 क्वेश्चन में 4 ठीक हो गए, फॉर एग्जाम्पल 4-5 ठीक हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स शायद वैसे भी ना बढ़ रहे हो। तो सबका अपना अपना पॉइंट है, पर अगर वैसे कह रहे हैं तो ठीक है, उस हिसाब से भी करेंगे। और मैंने पेपर तो देना है नहीं, तो अगर मैं बता रहा हूँ तो फिर तुक्के क्यों ही मारने। इसलिए मैंने नहीं मारे, इस बार टाइम था मेरे पास कुछ सेकंड तुक्के मारने के लिए। पर रीजनिंग में से मेरे 33 आए। रीजनिंग इजी थी इसकी, अगर रीजनिंग बोलूँ तो SBI क्लर्क का जो थोड़ा मॉडरेट शिफ्ट होती है, या RRBPO की जो थोड़ी इजी शिफ्ट होती है, उस लेवल के बीच में था पेपर। कुछ एक पजल थोड़ी हार्ड थी, बाकी सब इजी था। मतलब थोड़ी लेंदी थी, हार्ड तो कहती होगी, लेंदी थी हल्की सी कंपेरेटिवली, मतलब इस टाइम में खत्म करने के लिए 20 मिनट में 35 क्वेश्चन के हिसाब से हल्की सी, वरना पूरे 35 20 में आ सकते थे। क्वांट में कहूँ तो एक केसलेट थी, अरिथमेटिक के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, 2 DI थी, 1 DI हल्की सी, उसमें 2 चीजें थी, मतलब डबल वाले जो हमारे वो होते हैं कि 2 टेबल्स होती हैं, एक पाई चार्ट और एक टेबल थी छोटी सी। इजी थी थोड़े अरिथमेटिक, कुछ अरिथमेटिक थोड़े कैलकुलेटिव थे। मैंने स्टार्टिंग में 1-2 गलत अरिथमेटिक चुन लिए, जिनने थोड़ा टाइम कॉस्ट कर दिया, क्योंकि बाकी अरिथमेटिक थोड़े इजी थे उनसे, पर ठीक था। अरिथमेटिक थोड़े हार्ड थे, बाकी केसलेट इजी थी। अगर आपने केसलेट उठाई तो केसलेट काफी जल्दी बन सकती थी, उसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं था। 1 DI थोड़ी लेंदी थी, उसको बाद में करके अगर कुछ इजी अरिथमेटिक पहले कर लेते तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन था, पर वो DI भी कोई इतनी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं थी, 4-5 मिनट में वो भी हो गई होगी। बाकी इंग्लिश अटेम्प्ट कराने तो कुछ कह नहीं सकता कैसा था, पर एवरेज ही रहा होगा। कोई इसमें इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर हम एवरेज में मारे तो, अगर आपको मान लीजिए 30 में से 7-8 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, मतलब 5 से बढ़ने जो आप कन्फर्म बोलो कि हाँ ये तो गारंटेड ठीक है, कि चलो 10 में आपको 10 आपने मार करे, आप उसमें बोल दो कि 5 तो गारंटेड ठीक है, ये 6 तो गारंटेड ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अगले 20 में आप तुक्के मार के वो कर ही सकते हो 5-6 ठीक। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, खास करके जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी एक्यूरेसी इसमें मेरी 100% रही, 62 अटेम्प्ट 62 स्कोर था, 794 इसमें मेरी रैंक है, 30,692 लोगों में अभी तक। जब मैंने पेपर दिया था तो इसमें मेरी, मैंने परसों दे दिया था शायद, तब कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तब मेरी इसमें कुछ रैंक 500 थी, और तब 25,000-26,000 लोगों ने दिया था, तब मेरी उसमें 97.9% आई थी शायद। वो ऊपर नीचे होता रहता है जैसे लोग दे रहे हैं, फिर रैंक ऊपर नीचे होती रहती है। LIC AAO मैंने नहीं भर रखा है पेपर, ADO भी नहीं भरूंगा, क्योंकि ADO के ऑब्वियसली ड्यू टू द जॉब प्रोफाइल मार्केटिंग हमारे बस की है नहीं इतनी। और AAO में जैसे मेरा स्ट्रेंथ है, मतलब मुझे पता है कि इंग्लिश मेरा स्ट्रेंथ है, एंड आई लाइक टू प्ले ऑन माय स्ट्रेंथ्स। तो जहाँ इंग्लिश एडिशनल में और GK के दो दो सब्जेक्ट हैं, मैं प्रीलिम्स आसानी से निकाल लेता, मतलब मेरे को लग रहा है कि प्रीलिम्स तो मैं निकाल लेता जब SBI वगैरह हो गया। इसमें हाँ वैकेंसीज थोड़ी कम है, पर मैं प्रीलिम्स निकाल लेता अगर एक बार को, मेंस मुझे 100% पता था कि मेरा क्लियर नहीं होगा। तो फॉर्म की फीस महंगी है, कोई इतनी सस्ती तो थी नहीं, तो क्यों एक बस प्रीलिम्स देने के लिए वेस्ट करनी, मेंस बस एक देने को जाता कि मैं हाँ वीडियो बना के डाल देता एक, उस पर शायद किसी पे व्यूज आ जाते, खैर वो अलग बात है। पर वैसे भी जब स्ट्रेटेजी सही होती है तो लोगों को सुनना थोड़ा कम ही अच्छा लगता है, क्योंकि किसी ने अप्रोक्सीमेटली मेरे नाम का चैनल बना के वीडियो डाली, नंबर कम है, पर लोग देखते हैं कि हाँ उसने टीचर का नाम ले दिया, ऐसे पढ़ने की ट्रिक बता दी, वो तो अच्छा हुआ। जब उनके वो ट्रिक अप्लाई करके 27 आ रहा है मेरे बिना पढ़े, जो मैंने आपको बताया, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस कुछ 5-6 महीने रीडिंग करनी है, कैसे करनी है, उसके बाद अगर आपके आराम से 30+ आएंगे, 30+ गारंटेड आएंगे। कोई इतना अगर बहुत पेपर हार्ड आ गया जैसे SBI PO थोड़ा नया था तो उसमें 25 आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल पेपर के 35 जितने ही हैं, तो आपके बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे, आप हमेशा 99.5+ percentile में रहोगे सिर्फ रीडिंग करके, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है, आपको इजी तरीके से नहीं जाना है, आपको लगता है चीज तो बहुत इजी होंगी, तो टेक इट हार्ड वे। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अब SBI PO की
मेंस की रिजल्ट डेट भी आने वाली होगी, तो देखते हैं मेंस का रिजल्ट कैसा रहता है। इंटरव्यू के लिए मैं होपफुल हूँ कि दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है जीके की, तो थोड़ा डर कम है। पर एसबीआई है, एसबीआई की कट ऑफ वैसी हाई जाती है थोड़ी, और रीजनिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया था, पर देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।